तो ये क्वेश्चन है, बताओ आंसर। If there are 32 chromosomes in type A, how many are there in secondary spermatocyte? Want to put the answer? Look, I know the answer. Put it there. सर 64 गुलाम क्वाड है सर बात करने को का आ सर 64 सीधा मोटा करो से तो जुड़ जाने का अच्छे लिया इधर आ बता रहा हूं हां सर आंसर 64 सोच के बताओ 32 सर 32 अब कौन पढ़ रहे हो आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपको समझ में आया कि नहीं बोलते रहो आप हाँ नहीं कुछ नहीं बोलते हो ओके इसको देखकर बताइए सर 16 आंसर होगा 16 16 स्टेबलाइज होंगे ओके तो इसका आंसर है एक्चुअली क्या 16 क्या टाइप ए 2N होता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट N होगा हाँ सर मैं नंबर ऑफ सेल्स निकाल क्रोमोसोम नंबर थी चलो ओके तो ये आप याद रखेंगे ये सर बहुत इंपॉर्टेंट डिविजन है गुड़ माना बांटन को तैयार हेला नेक्स्ट तापरे कौन ना कोटा धोई क्या है सो सेकेंडरी स्पर्माटो साइट्स ओके सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स देन डिवाइड बाय क्या सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स देन डिवाइड बाय व्हाट
देन माइटोसिस माइटोसिस नहीं इडियट मेयोसिस टू मेयोसिस टू मेयोसिस टू इज लाइक माइटोसिस बट डोंट टेल माइटोसिस हैला चलो तुमने दोनों से धर की से जान चली ओके देन डिवाइड बाय मेयोसिस टू तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन डिवाइड बाय मेयोसिस टू कॉमा which is an equational division hala which is an equational division theek hai ye equational division hai kyun kyun equational division and produces two daughter cells e comma each with n comma c genetic compositions ठीक है each with n c genetic compositions these daughter cells are known as क्या these daughter cells are known as spermatids or non-functional क्या non-functional male gametes okay so these daughter cells are known as spermatids or non-functional male gametes ठीक है जी non-functional male gametes okay these are kya spherical comma immotile kon hai these are spherical immotile these are spherical immotile ओके सेल्स ओके बट आपको मेल गैमेट को क्या होना है बोलो इट हैज टू बी अ स्पेशल शेप है कि नहीं तो दीज डॉटर सेल्स आर नोन एज स्फेरिकल एंड इमोटाइल सेल्स ठीक है नाउ दे देन अंडर गो के ओके दे देन अंडरगो क्या स्पर्मियो जेनेसिस ओके दे देन अंडरगो स्पर्मियो जेनेसिस टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज स्पर्मेटोजोआ ओके स्पर्मेटोजोआ और क्या फंक्शनल स्पर्म्स ओके और फंक्शनल स्पर्म्स ठीक है जी और फंक्शनल स्पर्म्स नाउ इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग changes occur okay the following changes occur so a okay to a likha kya uske baad boliye spherical cell becomes sperm shaped ठीक है तो स्फेरिकल सेल जो है वो स्पर्म शेप्ड हो जाता है नंबर टू ओके उसके बाद क्या है न्यूक्लियस क्या बन जाता है लूज लेस कंडेंस्ड
okay, loose, less condensed, comma, loose, less condensed, क्या lack histones, how देखा था वेबी पे आया था, loose, less condensed, lack histones, okay, इसमें histones नहीं होता, ठीक है जी, तापरे C, okay. How centrioles divide into centrioles divide into three. Okay, कौन कौन सा? Proximal, distal and ring. ओके प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड रिंग ठीक अच्छे ताकुटा देख के टेक के तो पिया दे कलर तो तुम मेरे से तो रख माना पता नहीं अब हां बोलो आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियल के बारे में तो बताया था रिंग सेंट्रियल का काम क्या है रिंग का काम कुछ नहीं है वो देख रहे हो कि नहीं वो जो उसका जो ये है रिंग सेंट्रियल तो ये आपका जो है मिड पीस एंड टेल पीस को डिस्टिंक्ट कर देता है समझे कि नहीं मिडल पीस एंड टेल पीस को वो अलग रखता है अलग मिड पीस एंड डिस्टिंग जो टेल पीस है उसको वो डिस्टिंक्ट करता है ओके ऐसे जो मुत्ती जो चकुड़ी वैसे अलग चलो तो उसके बाद नेक्स्ट है तो सेंट्रल बन जाता है उसके बाद गोल्जी बॉडी ओके फॉर्म ए लार्ज सेंट्रियोल नोन एज क्या गोल्जी बॉडी फॉर्म्स ए लार्ज सेंट्रियोल नोन एज आपका क्या एक्रोसोम ओके गोल्जी बॉडी फॉर्म्स ए लार्ज सेंट्रियोल नोन एज एक्रोसोम ठीक है इट इज रिच इन स्पर्म लाइसेंस एंड इट फेवर्स कौन इट एंड इट हेल्प्स एंड इट हेल्प्स It is rich in sperm lysins and it helps in penetration of the ovum. Second, penetration of the ovum. ठीक है जी? So it is rich in sperm lysins and helps in the penetration of the ovum jo cover aage the bar bola hala the penetration of ovum uske baad flagella becomes kya max flagella becomes kya sperm tail ठीक है फ्लैजेला बिकम्स स्पर्म टेल तापरे माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन ए ओके माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन ए टेल इन ए स्पाइरल shape and is and now
become the Nebankan. Okay, and now become the Nebankan. All the mitochondria, all the mitochondria are, so all the mitochondria are, okay, all the mitochondria are, all the mitochondria are placed in the middle piece. Okay, are placed in the middle piece and they will help to propel the sperm. Okay, and they will help to propel the sperm. Thikachi? So, ये सब हो गया हमारा क्या स्पर्मियोजेनेसिस. Understood? So, this process is referred to as स्पर्मियोजेनेसिस. तो आपका जो एक नॉन फंक्शनल स्पर्म था अब वो एक मोटाइल फंक्शनल स्पर्म बन जाएगा. ठीक है, सो नाउ इट विल बिकम ए मोटाइल स्पर्म. ठीक है, so these are the changes which takes place. Okay, now ek aur bhi likh sakte hain hum log, cytoplasm becomes highly condensed and they surround the internal structures of the sperm. Okay, it becomes one hai galia. Okay, it becomes one hai galia, to she that surrounds the nucleus, and number two is manchet. Okay, she that surrounds the neck and mid piece. ठीक है, ये आपका बन जाता है क्या galia and manchet. तो ये आपका साइटोप्लाज्म का चेंजेस है. ठीक है, ठीक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस. ओके, सो ये हमारा स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस हो गया. ठीक है, सो दिस इज ओवर. स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस आर ओवर. ठीक है, चलो तो अब हम लोग चले जाएंगे क्या द फीमेल पार्ट. ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फीमेल तक उठा रे पता नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे. अब हम लोग एक डायग्राम लाएंगे. सुनो, मैं थोड़ा क्लास एंड कर रहा हूँ. ओके, तो मुझे थोड़ा कुछ काम है. वी विल मीट अगेन. ओके.